आज किस तरह का समर्थन प्राप्त हुआ, कौन कौन लोगों ने आज समर्थन दिया, क्या स्काउट किया? धन्यवाद पत्रकार बंधुओं, आज मुझे मेरे बड़े भाई पूर्व पार्षद शिवनारायण भारद्वाज जी का पूरी तमाम छत्तीस बरादरी का समर्थन मिला है और आज जन सैलाब आपके सामने उभर के आया है, आप लोगों ने देखा भी था। तो मैं तो आज बड़े भाई पूर्व पार्षद शिवनारायण जी से यही कहूँगा कि मैं तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और आज वार्ड में मैसेज जाएगा हमारे वार्ड के अंदर कि भाईचारा भी कोई चीज़ है और कायम है। जातिवाद का हमारे वार्ड में इस बार कोई इस चीज़ का कोई मोल नहीं है। पोंगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह है जो 2005 में मेरे बड़े भाई का था, वही चुनाव चिन्ह आज मेरे पास है और इस कॉलोनी का चुनाव चिन्ह पोंगता हुआ सूरज है। किस तरह का माहौल है जिसमें कि वार्ड की बात करें तो अगर मौका मिले तो क्या काम करेंगे? माहौल तो बहुत ही बढ़िया है, माहौल का तो हमें लग रहा है कि इस बार जब हम तीन चार भाई सब मिलकर काम करेंगे या पूरा कॉलोनी हमारे साथ खड़ी है तो इस बार जीत हमारी निश्चित होगी। कौन सा काम सफाई व्यवस्था मेन मुद्दा है हमारे वार्ड का, बाकी समय आने पर सब चीज़ें सब ठीक होंगी। रास्ते का काम है, गलियों का जो काम है, नालियों का जो काम है, सुरक्षा को लेकर जो काम है। मुकाबला तो किससे क्या, भाईचारा मेरे साथ है, छत्तीस बरादरी का साथ मेरे साथ है, बड़े भाई मेरे साथ है, तो मुकाबले वाली हमारे वार्ड में कोई एक तरफा इलेक्शन है तो मुकाबले की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा शिवनारायण भारद्वाज नाम है। किस तरह का जनसैलाब यहाँ उमड़ा है, किस तरह का समर्थन? ये ऐसा आज देखो चुनाव चुनावी दौर तो चल रहा है और हम भी काफ़ी दिन से इसमें थे भाई चुनावी हम किस उसमें किसको सोचे क्या निर्णय लें। तो मैंने क्या किया कि आज कम से कम काफ़ी लोग अपने वहाँ अपने ऑफिस पे इकट्ठे करे और इकट्ठे करके उनकी सबकी मैंने सलाह ली भाई क्या करना है, कौन कैंडिडेट सही है कि हम किसी जातिवाद को और उसको किसी को वो बढ़ावा नहीं देते। तो मेरी जो अच्छा कैंडिडेट है भाई जो समाज बैठा है तुम निर्णय ले लो मैं आपके साथ हूँ। तो उन्होंने जोगिंदर के हक में ही निर्णय लिया और हम जोगिंदर के साथ हैं हर तरीके से और अब के जोगिंदर को जिताएंगे। 2005 में भी हमारा एक ही ग्रुप था, उस वक्त भी जोगिंदर नरेश हम सब साथ ही थे हम और हम बड़ी हमारा 75% वोट हमको मिली थी और अब भी उगता हुआ सूरज ही है तो हमको बड़ी अच्छी जीत मिलेगी। एक तरफा इलेक्शन है और कुछ लोग जैसे बाहर से और कॉलोनियों से आकर के यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं काम कुछ करते नहीं है, कुछ वो ये है कि वो कति पूरा एक ईंट भी पूरे वार्ड में अपने 5 साल में नहीं लगाते, उनसे कुछ पूछते हो तो कह देते हैं मेरी सरकार नहीं है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ पे और अब ये जोगिंदर भाई है, जोगिंदर से जैसे हम कहेंगे वैसे हमारा जोगिंदर उसमें रहेगा पूरा वो और ये पूरे बहुमत से जोगिंदर जीतेगा, हमें पूरा विश्वास और पूरी उम्मीद। क्या नाम है मेरा? मेरा नाम विनय पंडित। आज समर्थन आपने दिया है जोगिंदर जी, किन विशेषताओं हमने भैया का जो समर्थन दिया है 36 बार मिलकर दिया है, जो हमारे भाई की क्वालिटी है, आधी रात हम फ़ोन करते हैं भाई के पास ये काम है तो आधी रात हमारे खड़े रहते हैं, कभी उन्हें काम के लिए मना नहीं किया, संघर्षशील आदमी है, पढ़े लिखे हैं, युवा है, मेहनती हैं। वार्ड में किस तरह की जरूरतें देख रहे हैं, किस तरह के विकास कार्य नहीं हो पाए? विकास कार्य तो ये है जी, कोई मेन मुद्दा तो ऐसा था नहीं, बाकी ये सफाई का मेन जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है, बाकी और जो सारे काम उन पर हम गौर करेंगे, सारे भाई सब काम करेंगे और पूरा समर्थन है छत्तीस बरादरी का, हम भाई जीत निश्चित हम भाई। आज समर्थन दिया गया जी, लोगों का सम्मान किया गया जी सर, क्या लगता है कि किसी से मुकाबला है योगेंद्र जाखड़ का जी? किसी से कोई मुकाबला नहीं है योगेंद्र जाखड़ जी का, एक तरफा इलेक्शन है। मेरे बड़े भाई ओमवीर वैष्णव हमारे वैष्णव समाज के पूर्व प्रधान रहे हैं, हमारे इस कृष्णा कॉलोनी में करीब 400 वोटों के लगभग हैं जिसमें हमने सबसे सलाह मिला के और हमारे पंडित जी शिवनारायण जी से सलाह मिला के हमने पूर्ण समर्थन अपने भाई योगेंद्र जाखड़ को दे दिया है, बस यही कहना चाहता हूँ, इनकी जीत निश्चित है। डॉक्टर साहब आज किस तरह का समर्थन दिया गया, किन मुद्दों को लेकर समर्थन दिया, किन किन लोगों ने समर्थन? ऐसा है ये सब समर्थन सबसे पहली बात इस समर्थन में ये रही है कि यहाँ आंतरिक और बाहरी का मामला है, लोग बाहर से आते हैं यहाँ चुनाव लड़ते हैं आकर के, जो है एक तो ये हुआ है, एक जातिवाद बिरादरीवाद का चुनाव होता है उसको दूर किया गया है यहाँ, ये 36 बरादियों का समर्थन है, इसमें सभी इकट्ठे होकर के भाई योगेंद्र जाखड़ को जिताएंगे। जो इसमें मुद्दे क्या हैं? मुद्दे विकास के मुद्दे हैं, प्रथम तो सबसे पहले विकास के मुद्दे हैं, यहाँ
इससे पिछले जो 5 वर्ष गए हैं उसमें 0 भी, जो ये अब सामने खड़े हुए लोग हैं, इन्होंने एक भी ईंट पूरे वार्ड में नहीं लगाई पूरे 5 वर्ष में। पूरे 5 वर्ष में 5 ईंट तो बहुत बड़ी बात है, एक ईंट भी नहीं लगी पूरे 5 वर्ष ऐसे ही गए, कॉलोनी की सफाई तक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ 5 वर्ष में पूरे में। अच्छा, इसलिए पिछले 5 वर्ष गए, जो चेयरपर्सन है उसने कुछ काम किए हैं, उसने सफाई की व्यवस्था भी देखी है, वैसे काम कुम भी उसने किए थे, जो बस ये है। बाकी जो है सबसे बड़ा बात है विकास का, जो जो विकास काम अधूरे रहते हैं उनको अपना योगेंद्र जाखड़ जी पूरे करेंगे इस विश्वास के साथ। किस तरह का समर्थन है, किस तरह का प्यार मिल रहा है योगेंद्र जी? हर तरह का समर्थन है, और 36 बिरादरी के साथ आए हैं, अकेले नहीं लेकर आए, और 36 बिरादरी के 150 भाइयों ने हमसे कहा तब हम यहाँ आए, अपनी मर्जी से भी नहीं आए, और लोगों ने हमारे समर्थन दिया, हमें लेकर आए, हमने उनका सम्मान किया, हम उनने हमारा सम्मान किया, और हम यहाँ तन मन धन से हर तरीके से, और योगेंद्र से हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम आए हमारी भावनाओं का कदर करते हुए हमारे कॉलोनी का विकास करेंगे, और किसी भी तरह का स्वार्थपन में नहीं चलेगा वैसा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देवता जी, किस तरह का माहौल चल रहा है? देखिए भाई साहब, माहौल अब देखने की ज़रूरत क्या है, जब पार्षद साहब ने समर्थन दे दिया तो इसका मतलब है अब जीत ही जीत है, विजय ही विजय, और योगेंद्र भाई पिछले 2 बार से लगातार कोशिश कर रहे हैं, और थोड़े बहुत अंतराल से रह जाते हैं, अब की बार परमात्मा ने चाही तो सब चीज़ ठीक होगी। किस तरह का समर्थन मिल रहा है? भारी समर्थन है, भारी समर्थन है। मुद्दे क्या है कृष्णा कॉलोनी के? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा, पिछली बार यहाँ से चेयरमैन साहब रहे थे पार्षद, तो सबसे बड़ा मुद्दा जल भराव का था, और अब की बार हमारे भावी पार्षद ने ये बात तय करी है कि यहाँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगाएंगे, जिससे जल भराव की समस्या तो ज़मीन से ही ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। यूथ का, महिलाओं का, बुजुर्गों का किस तरह का समर्थन? तो वही है कि नालियों का रुकाव महिलाओं की तरफ से, क्योंकि महिलाएं घर को सबसे ज़्यादा देखती हैं, तो महिलाओं का भारी समर्थन है सारी चीज़ों के बारे में। पढ़े लिखे उम्मीदवार है, पिछली बार के उम्मीदवार ने तो हमारे साथ बहुत धोखा किया इस कॉलोनी के साथ। और भी प्रत्याशी किसके साथ टक्कर देख रहे हैं? टक्कर नहीं है। हाँ जी।